तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दे कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी को लगने वाला है आज बड़ा झटका। निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस दिल्ली के लिए हुई रवाना। आज शाम को दिल्ली में निपुण शर्मा को मुंबई पुलिस कर सकती है गिरफ्तार। अंध भक्तों को लग सकता है आज बड़ा झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार से मोदी को लगा बड़ा झटका। बिहार में मोदी की अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध। छात्रों के बाद अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब यूनाइटेड नेशन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूनाइटेड नेशन ने बीजेपी नेता के बयान का विरोध करते हुए मोदी से कार्रवाई करने की है अपील। भाजपा को यूनाइटेड नेशन से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का हिंदुओं ने किया विरोध। कहा ब्रह्मास्त्र ने पहुंचाई है हिंदुओं की आस्था को ठेस। मोदी से ब्रह्मास्त्र फिल्म पर बैन लगाने की हिंदू संगठनों ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं से गलत व्यवहार को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। दिल्ली पुलिस पर दर्ज हो सकते हैं कई संगीन केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के दबाव में आकर एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों से जुड़े विषय को कक्षा 12 की पाठ्यक्रम से हटाया। मोदी गुजरात दंगों को करना चाहते हैं दुनिया और देश से खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा की शाम तक होगी गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए हुई रवाना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा की आज शाम तक गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस मुंबई से चल पड़ी है और वह दिल्ली किसी भी वक्त पहुंच सकती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचकर निपुण शर्मा को महाराष्ट्र पुलिस अपनी हिरासत में लेगी और इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए आज शाम ही रवाना दिल्ली के लिए हो गई है और दिल्ली पहुंचते ही उससे पहले पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे हिरासत में लेकर मुंबई आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज शाम तक पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा गिरफ्तार हो सकती है और मुंबई पुलिस निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी को यूनाइटेड नेशन से लगा बड़ा झटका। यूनाइटेड नेशन ने मोदी शाह को फटकार लगाते बीजेपी नेता पर कार्रवाई की है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता निपुण शर्मा को लेकर यूनाइटेड नेशन से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगाई है और भारत में हो रही हिंसा को रोकने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि हमारा रुख इस्लाम धर्म का पूर्ण सम्मान करना है, किसी तरह के नफरती भाषण और उकसावे के खिलाफ बोलना है और किसी भी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से धार्मिक मतभेद और नफरत पर आधारित हिंसा को रोकना है। मैं आपको बता दें कि उन्होंने मोदी अमित शाह से अपील किया कि मोदी अमित शाह तत्काल भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क रही है उसको रोकें और मुसलमानों का साथ देकर देश में माहौल ठीक करें, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुस्लिम देशों के बाद अब यूनाइटेड नेशन भी मोदी सरकार के विरोध में उतर आया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी को लगा बिहार से बड़ा झटका। अग्निपथ योजना के विरोध में उतरी बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार द्वारा लाई जा रही नई योजना अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को आज बिहार में जेडीयू से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में उतर आई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के युवा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सेना में भर्ती कराने के लिए लाई गई योजना अग्निपथ के विरोध में है। दो दिनों में विरोध प्रदर्शन में करोड़ों की सरकारी संपत्ति इन छात्रों ने बिहार में फूंक डाली है। बिहार के 3 जिलों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को फूंक दिया। उधर जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव का ऐसा बयान आया है जो एनडीए को पूरी तरह से सियासत को अग्निपथ पर डाल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र यादव ने इस मामले पर केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए, इस पर लोगों से बैठकर बात करनी चाहिए। ये बिहार सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में है तो सरकार को इस योजना को वापस ले लेना चाहिए
और केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं से गलत व्यवहार को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। दिल्ली पुलिस की कर सकता है शिकायत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सत्याग्रह के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। गुरुवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के क्रूर और अनुचित व्यवहार के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कांग्रेस सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में लिखा। हम उन लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई का अनुरोध करते हैं जिन्होंने संसद में जनप्रतिनिधियों पर हमला किया है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस नेता लगातार राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा के समर्थन में उतरे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, बोले मुसलमान इसके खिलाफ ना करें प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि निपुण शर्मा के बयान के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा 3 जून और 10 जून को प्रदर्शन देश भर में किया गया था। प्रदर्शन के बाद एक बार फिर आज जुमा होने वाला है। ऐसे में अयोध्या से पूर्व बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। इकबाल अंसारी ने संवैधानिक दायरे के अंतर्गत अपनी शिकायत सरकारी अधिकारियों को देने की बात कही है। अंसारी ने इसके अलावे किसी भी तरह के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ना करने की मुसलमानों से अपील की है। इकबाल अंसारी ने समाज के लोगों से देश के कानून पर भरोसा रखने की अपील की है। साथ ही मुस्लिम लोगों से जुमे की नमाज जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ने की अपील की है और कहा है कि जुमे की नमाज के बाद कोई मुसलमान सरकार के खिलाफ या निपुण शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन ना करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का हिंदुओं ने किया विरोध, कहा हिंदुओं की आस्था को इस फिल्म ने पहुंचाई ठेस, मोदी से बैन लगाने की है मांग। जय दोस्तों आपको बता दें, रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है। फैंस ट्रेलर को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिल्म में वायु जल और अग्नि से बने ब्रह्मास्त्र की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म में देवताओं के अस्त्र ब्रह्मास्त्र पर आधारित है और फिल्म में रणबीर कपूर एक अग्नि अस्त्र बने हैं। फिल्म में उनका नाम सिवा है, जो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो खुद एक अग्नि अस्त्र हैं। इस बात का एहसास उन्हें काफ़ी देर में होता है। इस जर्नी में सिवा को कई खतरनाक किरदार भी मिलते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इस फिल्म का रिलीज से पहले ही हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और इस फिल्म को मोदी से बैन करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि फैंस को फिल्म के एक सीन को लेकर आपत्ति हो रही है, जिसमें जूते पहनकर मंदिर में रणबीर कपूर जा रहे हैं और इसका जो है स्क्रीनशॉट भी जो है हिंदू संगठनों ने जारी किया है और कहा है कि जो घंटी रणबीर कपूर बजा रहे हैं और मंदिर में जूता पहनकर जा रहे हैं, जो कि हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और ऐसा रणबीर कपूर को नहीं करना चाहिए, इसलिए इस फिल्म को बैन होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के दबाव में आकर एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों से जुड़े विषय को कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से हटाया। या तो उसको आपको दादी, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात दंगों से सुर्खियों में आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको दादे कि मोदी ने एनसीईआरटी का जो है दबाव बनाकर गुजरात दंगों से जुड़े विषय को कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से हटवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों से जुड़ी पाठ्यक्रम सामग्री को 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिया है। अभी तक ये पाठ्य सामग्री कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान विषय की पुस्तक में 187 से 189 पेज पर थी। इसको लेकर एनसीईआरटी की तरफ से गुरुवार को एक नोट जारी किया गया था। असल में एनसीईआरटी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पाठ्य पुस्तक युक्तिकरण योजना के तहत कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए जो है गुजरात दंगों को जो एक पाठ था गुजरात दंगों के ऊपर उसको हटा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी के दबाव में अब जो है शिक्षण संस्थान भी जो है नतमस्तक हैं और शिक्षण संस्थान भी लगातार मोदी के कहने पर ही काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात दंगों से जुड़े विषय को कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से मोदी सरकार ने हटवा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए रोड शो करने पहुंचे मनोज तिवारी, बोले आजमगढ़ में ध्वस्त होगा समाजवादी पार्टी का किला। जब दोस्तों आपको बता दें कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में
आज मनोज तिवारी चुनावी रोड शो करने आजमगढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जनता से भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार जिले की जनता भाजपा को चुनेगी और विकास की मुख्य धारा में आएगी। इस दौरान मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे लिए कभी आजमगढ़ कड़ी चुनौती हुआ करती थी। लोगों ने लगातार समाजवादी पार्टी को मौका दिया था, लेकिन समाजवादी लोगों ने आजमगढ़ पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भी सरकार ने हाईवे, आवास, राशन, गरीब के लिए इलाज दिया। यहाँ के लोगों के लिए अखिलेश यादव ने संसद में एक भी सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये अवैध किला माना जाता है, ये भ्रम अब टूटेगा और यहाँ से भाजपा जीत कर जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।